वेलकम टू एवरीवन माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पराठे। प्याज पराठे बनाने के लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, जिसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके काट लिया है। उसके लिए मैंने दो हरी मिर्च ली है, जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च हम कम डालेंगे क्योंकि हम हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे बनाते कैसे हैं। पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे आटे का, और आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए हमारा। प्याज के पराठा कई तरह से बनता है, मैं आपको दो से तीन तरीके बताऊंगी। इसमें मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल या रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसको हम बेलेंगे, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर पराठा डालेंगे। ये मेरा घर का बना देसी घी है, मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। ये हमारा एक तरफ से सिक गया है। खूब खस्ता हो चुका है ये। प्याज का पराठा दिखने में इतना अच्छा लगता है, खाने में भी उतना ही स्वाद आता है इसे। ये देखो दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब मैं आपको पराठे बनाने का दूसरा तरीका बताऊंगी। हम इसको पूरा बड़ा करके बेलेंगे रोटी की तरह, फिर इसके बीच में थोड़ा सा हम घी लगा देंगे। और प्याज को इस तरह से फैला देंगे। प्याज को फैलाकर हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे चम्मच से, और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। इसका पराठा कहीं से भी फटा नहीं है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रही हूँ कि हम किस तरह से प्याज का पराठा बना सकते हैं। हमने ये रोटी पूरी बेल ली, इस तरह से हम रोटी बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से कट लगा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें ये लगाएंगे, थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद फिर हम इसे वन साइड से फिल करेंगे।
जहाँ से हमने कट किया था उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे दो फोल्ड और फिर ये तीसरी फोल्ड। जैसे हमने और पराठा को सेका था, बेला था, उसी तरीके से हम इसे भी सेकेंगे। ये देखिए पराठा अच्छी तरह से बेल चुका है और ये कि पराठा हमारा कहीं से फटा नहीं है। हमारे प्याज के पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं या चाय के साथ खा सकते हैं या चटनी के साथ, जैसे आपकी इच्छा हो आप उसी तरह से इसे खा सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्याज पराठा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।